नमस्कार, मैं आरती यादव और आज यहाँ पर हम बात करने वाली यूपी यूएमएस सीपी नेट या सेफई पैरामेडिकल। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक बड़ा डाउट चल रहा है, क्या सीपी नेट का एग्ज़ाम 2024 में होगा या नहीं होगा, यदि होगा तो इसका पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इस टेस्ट को देने के बाद कौन से कोर्स हम कर सकते हैं सेफई पैरामेडिकल से। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन आपके लिए तैयारी कराई जा रही है वीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल सीपी नेट आरयूएचएस यानी ऑल स्टेट्स के लिए। बायोलॉजी की बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको पढ़ाया जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पर क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं। आज की क्लास में हम सेल बायोलॉजी से बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आ रहे हैं लाइव 3 बजे। आज 3 बजे बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल, फार्मेसी, एएनएम, जीएनएम किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं मेडिकल लाइन से संबंधित, तो आप इस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। बहुत ही हेल्पफुल क्लास है और फ्री में आपको ये क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है यूट्यूब चैनल पर, इसी पर, ठीक है। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सीपी नेट का यदि पेपर है होता है तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इसका पेपर पैटर्न क्या है। तो पहली बात, सीपी नेट का जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा हटके है, कि पेपर पैटर्न जो या इसका है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसका पेपर आता है, तो आराम से हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी दे सकते हैं, आर्ट स्टूडेंट भी दे सकते हैं और साइंस स्टूडेंट्स भी इस पेपर को दे सकते हैं। तो आप पेपर पैटर्न देख लीजिएगा। पेपर यहाँ पर ऑनलाइन होता है, पहली बात, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और यहाँ पर फिजिक्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 33, केमिस्ट्री के 33 और यदि आपके पास जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है 12th क्लास में, तो आपसे 34 क्वेश्चन आएंगे और बायोलॉजी की जगह पर यदि आपके पास मैथ है तो इसके भी 34 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक के पूछे जाएंगे जो आपके पास सब्जेक्ट होगा। बात आई क्लियर? अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, यदि आपके पास आर्ट स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो या अदर कोई भी स्टूडेंट्स हो, 12th क्लास आपने आर्ट से की है, कॉमर्स से की है, तो आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो सामान्य हिंदी के यहाँ पर 20 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, ये सभी आपके क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन करंट के भी यहाँ पर रख दिए जाते हैं। तो ये टोटल क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो 100 क्वेश्चन, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग यहाँ किसी प्रकार की नहीं है, तो आराम से आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो। तो देखिए, आपने पेपर पैटर्न समझ लिया है कि पेपर में क्या क्या पूछा जाता है यहाँ पर, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है। 11th आपको पढ़ना है या 12th पढ़ना है, 11th 12th दोनों को पढ़ना है, या इनमें से कौन सा ज़्यादा पढ़ना जरूरी है 2024 के लिए। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप सुनना, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। तैयारी आप अच्छे से तभी कर सकते हैं जब आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, नीट तक की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेबस यदि नहीं पता है तो आप तैयारी नहीं अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सिलेबस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 11th और 12th भी आपको पढ़ना ज़रूरी है और 12th क्लास भी आपको पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं 11th से या 12th से, तो यहाँ पर हम 3-4 साल से काम इस पर कर रही हूँ सीपी नेट एग्ज़ाम पर। पिछली ईयर भी मैंने देखे ज़्यादातर जो क्वेश्चन यहाँ पूछे गए अभी तक वो 12th क्लास से पूछे जाते, पर अब आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 12th ही पढ़ना है, केवल 11th को बिल्कुल भी देख के नहीं जाना है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिएगा। आप 11th और 12th दोनों ही पढ़ के जाएँ, आपके पास टाइम है, 5 से लेके 6 महीने का टाइम है, 6 नहीं बल्कि 7 महीने का टाइम है आपके पास, आराम से आप 11th और 12th दोनों को पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 12th से क्वेश्चन ना पूछ के ज़्यादा 11th क्लास से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वैसे भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, नीट की, तो दोनों ही क्लास आपको पढ़ना ज़रूरी है। 11th की भी आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री, बायो, और 12th क्लास की भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि सिलेबस में इसमें क्या पूछा है। लेकिन सीपी नेट की खासकर बात कर ली जाए तो यहाँ पर लगभग 70% जो पेपर आता है वो 12th क्लास से ही पूछा जाता है। 12th क्लास ज़्यादा ज़रूरी आपको पढ़ना है, इसे आप अच्छे से देख के जाइए 11th क्लास की अपेक्षा। तो आप समझ चुके होंगे कि इसका सिलेबस क्या है और आगे आपको सी। तो देखिए, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आप
सीपी नेट का या एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ से कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं और ये पेपर होगा या नहीं होगा, कितने चांस होने के और कितने चांस ना होने के। तो देखिए यहाँ पर सीपी नेट का ये टेस्ट यदि आप देते हैं तो 2023 के अनुसार या देखा जाए तो यहाँ से आप सीपी नेट टेस्ट देने के बाद एएनएम कोर्स कर सकते हैं, जीएनएम कोर्स कर सकते हैं और साथ ही साथ आप बी फार्मा जैसा कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बी फार्मा जैसे कोर्स यहाँ पर कर सकते हैं। इन तीनों की सीटें जो यहाँ पर जीएनएम की यहाँ पर 50 सीट्स हैं, जीएनएम की 60 सीट्स हैं और बी फार्मा की यहाँ पर 60 सीट्स हैं। ठीक है, दूसरी बात, सीपी नेट टेस्ट देने के बाद ये आप ये तीन कोर्स कर सकते हैं, एएनएम गर्ल्स कर सकती है, जीएनएम गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कर सकते हैं और बी फार्मा को भी दोनों कर सकते हैं। यहाँ पर आर्ट वाले स्टूडेंट भी फॉर्म डाल सकते हैं और साइंस वाले स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सीपी नेट का पेपर होगा या नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर पेपर होने के जो चांस हमें लग रहे हैं वो 60 से लेकर 70% चांस लग रहे हैं कि पेपर आपका होगा, क्योंकि ये आप इनको सीट तो भरनी है और वो हर साल भरी जाएंगी। अब ये किसी से ऐड कर दें तो ये हम आपको बता नहीं सकते, ये किसी को अभी तक नहीं मालूम, लेकिन पेपर होने के चांस लग रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी बात, यदि पेपर बाई चांस नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आप कहोगे कि तो मैंने तैयारी की थी, मेरी तैयारी बेकार हुई, तो आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी। आप बीएससी नर्सिंग जैसे एग्ज़ाम दे सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, यहाँ से पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं, बीएमएलटी कोर्स है, बी ऑप्टोम है, डीपीटी है, बीपीटी है। डीपीटी तो यहाँ पर बिना एग्ज़ाम के ही हो जाता है सेपई से, लेकिन बीपीटी करना चाहते हो तो आप एग्ज़ाम आपको देना होगा अटल बिहारी वाजपेयी वाला, क्योंकि आप जो भी सीट्स हैं पैरामेडिकल कोर्स की या बीएससी नर्सिंग की वो ऐड कर दी गई हैं और इसके लिए आपको एक ही टेस्ट आपको देना होगा। तो यदि आप तैयारी करते हो सीपी नेट के, बाई चांस पेपर नहीं होता है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बीएससी नर्सिंग जैसे टेस्ट आप दीजिए, बहुत अच्छा कोर्स है बीएससी नर्सिंग। इस कोर्स को करने के बाद आप जॉब जब आप करेंगे गवर्नमेंट भी, तो आप लाखों के हिसाब से कमा भी सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग टेस्ट आप दीजिएगा, तैयारी सबकी सेम है। बीएससी नर्सिंग में जो आपको पढ़ना है वही सीपी नेट के लिए आपको पढ़ना है। सीपी नेट में भी आपको 11th और 12th पढ़ना है और बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए भी आपको 11th और 12th ही पढ़ना होगा, सिलेबस सबका सेम है। तो पेपर याद होता है तो आप आराम से तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए, ये दिमाग में अभी से न रखें कि पेपर नहीं होगा। ठीक है, अभी किसी को नहीं पता है कि पेपर होगा या नहीं होगा, लेकिन आप तैयारी अपनी जारी रखिए। या पेपर नहीं होता है तो आप बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आते हैं उसको डाल सकते हैं, वो भी फॉर्म आपके मई या जून महीने में आते हैं, और आपके सीपी नेट का भी पेपर जो है फॉर्म जो है वो भी मई और जून के महीने में ही आते हैं। जून लास्ट तक आपको सीपी नेट के जो फॉर्म है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। और बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है, चाहे सीपी नेट का है, कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तैयारी अपनी जारी रखिएगा, सीपी नेट की कर रहे हो चाहे बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की। तैयारी यदि अच्छे से करना चाहते हो, बायोलॉजी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन करना चाहते हैं फ्री में, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके, आपका भी भला होगा और उनका भी भला होगा। ठीक है, आपका कोई कमेंट है तो आप ज़रूर करिएगा, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज शाम 3 बजे आप क्लास को ज़रूर अटेंड करिएगा, सेल बायोलॉजी से बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही, रखते हैं, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।